हेलो गाइस, अनुभव गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? गाइस आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है मेरा गंधराज या गार्डनिया। इसको गार्डनिया भी कहते हैं, गंधराज भी कहते हैं। जैसे कि ये नाम से ही पता है कि गंधराज है। इसके जो फूलों की खुशबू है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा। अगर एक फूल आपके गार्डन में खिल जाते हैं तो पूरा जो गार्डन है वो महक जाता है। तो गाइस इसकी केयर कैसे करें इस सीज़न के गर्मियों में हमें बहुत सारे फूल मिले, और इसकी कैसे देखभाल करें, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो इस विषय में मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसकी केयर करती हूँ और कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो गाइस डोरमेंसी पीरियड से ये बाहर आ चुका है, क्योंकि पता चलता है, क्योंकि देखिए इसकी न्यू ग्रोथ जो है, ये देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है सब में, ये देखिए। तो गाइस इस सीज़न ये अगर आप अच्छी तरह से इसकी केयर करते हो और अच्छी तरह फर्टिलाइज़ करते हो तो आपको इस सीज़न में बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे फूल मिलेंगे। क्यों, ये जो है आपके दो तरह के कलर्स में होते हैं, एक तो वाइट कलर, एक येल्लो, हल्के येल्लो में होता है। तो ये मेरा जो है हल्का ही येल्लो में है, वाइट, और साइड में इसके येल्लो येल्लो से होते हैं। और इसके देखिए पत्ते सारे पीले हो गए, क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेंसी में था तो उस टाइम उसकी ग्रोथ नहीं होती है और इसे इतनी धूप भी नहीं होती है। तो ये जो प्लांट है बहुत ही सेंसिटिव वाला प्लांट है, इसे ना ज़्यादा गर्मी पसंद है, ना ज़्यादा सर्दी पसंद है, और ना ही इसको ज़्यादा पानी पसंद है। इसको बैलेंस करके देना पड़ता है पानी, ना ज़्यादा ना कम। अगर इसके मतलब पानी ज़्यादा हो जाता है तो जो इसके पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और जो इसके कलियाँ हैं वो गिर जाते हैं। तो इसको मतलब काफ़ी ध्यान से पानी देना पड़ता है। और ये जो सर्दियाँ ख़त्म हो गई है, अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इसके जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते या पीले पत्ते हैं, या फिर इनके जो जो लीफ ख़राब हो गए वो साफ़ करना और इनको प्रून करना। इस सीज़न में अगर आप अच्छी तरह से प्रून करते हो, सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग करते हो, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपका जो प्लांट है वो भी बुशी हो जाएगा। तो मैं जो इस टाइम इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी, हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी। ये मेरा प्लांट जो है 2 साल पुराना है और मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था। मेरे पास ऐसे 2 प्लांट है। तो गाइस मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसको प्रून करूँगी और इसको फर्टिलाइज दूँगी, तो मेरे वीडियो में बने रहे। गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो बनाऊँ तो आप तक सीधा पहुँच जाए। बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर लीजिए। तो गाइस देखिए जो इसके सूखे टहनियाँ हैं उनको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए ये जो सूखे हैं इनके कट कर लेती हूँ, और ये जो है देखिए इस तरह से इसके जो इसके टिप्स है इनको भी कट कर लेती हूँ। तो इनमें जो टिप्स है काट देती हूँ इनको, तो इनमें अच्छी ग्रोथ होगी, 2-2 इसके ब्रांचेस निकलेंगे। नीचे की जो भी आपकी ये नीचे से जो होते हैं इनको रखना नहीं चाहिए, इनको काट देना चाहिए, ताकि आपके प्लांट में जो हवा वगैरह जा सके और धूप लग सके अच्छी तरह, इसलिए इनको काट देना चाहिए। तो गाइस देखिए इस तरह से मैं भी इनको कट कर दे रही हूँ। गाइस ये जो आपका प्लांट है ये परमानेंट प्लांट होता है और ये समर प्लांट है, समर में इसकी अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो इसलिए ये समर का सीज़न आ गया, तो इस अभी से इसकी केयर करना शुरू कर दीजिए। तो गाइस ये देखिए मैंने इसके जो नीचे की लीव्स है और ब्रांचेस है इनको मैंने कट कर दिया है, और जो ऊपर की है उनको भी मैं हल्की हल्की प्रून करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि इनमें नई लीफ आ गई है। तो इसलिए ये देखिए इनमें, ये देखिए यहाँ से जो मतलब ज़रूरत है उसी को कट करूँगी मैं।
यहाँ से कट कर देती हूँ, इसे भी कट कर देती हूँ। जितना आप प्रूनिंग करोगे तो आपकी जो प्लांट है वो बूशी बनता है। तो इसके सीजन जो है इस टाइम आपके फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, फरवरी मार्च तक आप इसको कर सकते हो, फरवरी लास्ट अप्रैल तक। उसके बाद इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अगर प्रूनिंग वगैरह करते हो तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी और ना ही इसकी फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए अभी मार्च तक ही आप इनको अच्छी तरह से कट कर लीजिए और इसकी जो। तो गाइस देखिए, मैंने ये सॉफ्ट प्रूनिंग कर ली है, हार्ड प्रूनिंग नहीं की है मैंने। ये देखिए, जो मुझे लगा कि भाई कट कर देना चाहिए, मैंने उन्हीं को कट किया ऊपर से लेकर नीचे तक। तो गाइस, कोई भी आप कटिंग करते हो या प्रूनिंग करते हो उसके बाद फंगिसाइड लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके ये जो ब्रांच है इसके अंदर फंगस जाकर आपके प्लांट को पूरे ख़राब कर सकते हैं। अब मैं इसके जो है फंगिसाइड लगाऊंगी। ये देखिए, मेरे पास फंगिसाइड है, साफ फंगिसाइड। तो मैं इनको ये जो मैंने ब्रांच कट की है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं सभी को लगा दूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस वीडियो में बने रहे। तो गाइस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। ये मैंने सारा मतलब फंगिसाइड लगा दिया। अब इसको मैं ये साफ़ करके, जो भी आपकी खरपतवार वगैरह होगा इनको साफ़ करके मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी अभी। तो गाइस ये जो है आपका गंधराज का प्लांट या गार्डनिया का प्लांट जो है, ये आपका सफाई पसंद प्लांट है। इसको भी गुलाब की तरह साफ़ सुथरा, इसका जो पॉट है साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी अच्छा ग्रोथ करता है। तो इसको 15 दिन में या हफ्ते में एक बार आपको जो इसके रू गुड़ाई करना ज़रूरी है, इसको गुड़ाई बहुत पसंद है। तो ये इस तरह से मैं सॉरी इस तरह से मैं ये सारा जो ये मिट्टी है आपके, इन मिट्टी को निकाल लूँगी कम से कम 1 इंच तक या 1.5 इंच तक निकाल के, उसके बाद इसको फर्टिलाइजर देखूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं ये सारा मिट्टी निकाल लेती हूँ। इसके बाद इसके ये देखिए, क्योंकि ये सर्दियों में डोरमेंसी में था, तो इससे आपको मतलब इसके जो रूट्स है इनको धूप अच्छी तरह प्रॉपर धूप नहीं मिली है और पानी भी ढंग से नहीं मिला, तो इस वजह से आपके जो इसके रूट से क्या पता इसमें फंगस वगैरह लग जाए, लग भी जाते हैं वैसे। तो इसलिए इनको निकाल के, और चाहे तो आप एक दो घंटे की धूप लगा के उसके बाद इसकी आप खाद वगैरह दे सकते हो। तो इस तरह से ये मेरा धूप में ही था, मैंने धूप में रखा था इसको पूरा सीजन। तो उसके बाद ये देखिए, इस तरह से मैं इनको सबको खाली कर लूँगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से इसकी मैं फर्टिलाइज करूँगी। तो गाइस देखिए, मैंने ये सारा मिट्टी निकाल लिया है। आपको वहाँ तक ही, जहाँ तक ये आपको रूट्स दिख जाए वहाँ तक ही आप मिट्टी निकालिएगा। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 मुट्ठी नीम की खली। नीम की खली गाइस बहुत ही अच्छा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसमें, और ये फंगी जो फंगस वगैरह लगते हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसके रूट्स में अगर कोई आपका फंगस वगैरह लगा होगा, कीड़े वगैरह लगे होंगे, तो इससे आपके मर जाएंगे। तो मैंने पहले इसमें नीम की खली डाली है। इसके बाद मैं डालूँगी, आपके पास जो है गोबर खाद, गोबर खाद डाल सकते हो, या फिर किचन वेस्ट है तो आप किचन वेस्ट डाल सकते हो, या फिर लीफ जो कंपोस्ट हो जाए लीफ कंपोस्ट भी डाल सकते हो, पत्तों की खाद। तो मेरे पास पत्तों की खाद है, मैंने बनाई थी। तो मैं डालूँगी इसमें 2 मुट्ठी आपकी ये लीफ कंपोस्ट। गाइस मैं ये घर में ही बनाती हूँ, अगर आपको भी देखिए, ये देखिए ये मेरा पत्तों का खाद है, देखिए घर पे ही बनाती हूँ। अगर आप लोगों को इसकी किस तरह बनाते हैं, आप लोग कमेंट करते हो कि भाई आप वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर
के लिए जो खाद है किस तरह बनाना चाहिए। ये मेरी 2 साल पुरानी खाद है, तो इनको अच्छी तरह से आप कोई भी खाद दे सकते हो, जो भी दो ना एक ही देना। तो आप अगर बर्मी कंपोस्ट देना चाहते हो बर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, या फिर आप किचन वेस्ट दे सकते हो, लीफ कंपोस्ट दे सकते हो, जो भी आपके पास है आप दे सकते हो। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने डाल ली पत्तों की खाद। उसके बाद मैं डालूँगी मैं आपकी 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि आप अगर इसको डालते हो तो इसके जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, या मैग्नीश की कमी या सल्फर की कमी है, तो उससे आपका जो है प्लांट ग्रोथ होएगी तो अच्छी लीफ निकलेगी इसकी। तो 1 चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट डाल लिया है। अब जो मैंने एक खाद डालूँगी जो है आपके चाय की पत्ती का खाद। ये चाय की पत्ती का खाद आपका, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होता है, और जो ये प्लांट है गंधराज का, इसको एसिटिक सॉइल बहुत पसंद है। तो ये चाय की पत्ती अगर डालते हो आप, इसमें एसिटिक सॉइल को एसिटिक बनाती है, तो इसलिए आपका ये चाय की पत्ती की खाद मैंने लास्ट में डाली है। अब इन सबको मिक्स करके इसके ऊपर मैं जो मैंने मिट्टी निकाली थी वो मिट्टी मैं कवर कर दूँगी उसको। इसके बाद आपके 2-4 दिन इसको छाई में ही रखेंगे। उसके बाद इसको जब ये सेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको धूप में रखूँगी। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह से करते अपने प्लांट की केयर करते हो और इस तरह से खाद वगैरह देते हो, तो आपके जो आने वाला सीजन है अच्छी तरह से मतलब फ्लावरिंग करेगा और ढेर सारे आपको फूल मिलेंगे। गाइस, इसके जो फूल है बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा फूल होता है, बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं। और इसको अच्छी तरह से केयर करना। उसके बाद ये पानी, ये मिट्टी मैंने डाल दी है, इसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी। तो गाइस, आप भी इस तरह से अपने गंधराज की केयर कीजिए। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल अनुभा गार्डनिंग को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।